नमस्कार, मैं हूं राहुल दहिया। आप देख रहे हैं बीके न्यूज। आसाराम, राम रहीम और रामपाल के बाद बलात्कारी बाबाओं की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है। ये नाम है आशु भाई गुरुजी। इसे आपने नेशनल टीवी चैनलों पर लोगों को भविष्य बताते हुए, आयुर्वेद के नुस्खे सिखाते हुए या फिर वास्तु ज्ञान देते हुए देखा होगा। अपने आप को गुरु बताने वाले इस बाबा पर एक महिला ने उसके और उसकी बेटी के साथ रेप और गैंग रेप का आरोप लगाया है। आशु भाई गुरुजी, इसके नाम पर मत जाइए, ये ढोंगी नाम बदलकर धर्म के साथ धोखा कर रहा था। आशु भाई का असल नाम आसिफ खान है। जी, आसिफ खान। वोटर लिस्ट के मुताबिक आशु महाराज हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, जो कि दुनिया के सामने हिंदू होने का ढोंग रचता था। ये दिल्ली के वजीराबाद की झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। यहीं से उसने ज्योतिष विद्या की मदद से लोगों के हाथ देखने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से आशु महाराज की दुकान चलने लगी और देखते ही देखते वो करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। टीवी चैनलों पर भविष्यवाणी करने के साथ साथ ये खुद की दवाइयां भी बनाता है। आशु महाराज के देश और दुनिया में लाखों अनुयायी हैं। इस बाबा का ये चेहरा तब बेनकाब हुआ जब गाजियाबाद की एक महिला ने अपनी बेटी के साथ हुए रेप का आरोप लगाया। महिला की माने तो वो 2008 में आशु महाराज के संपर्क में आई। वो अपनी बेटी के इलाज के लिए आशु महाराज के पास जाती थी। महिला की बेटी पोलियो से पीड़ित है। महिला ने आरोप लगाया है कि आशु महाराज उसकी बेटी को नग्न कर उसकी मालिश करता था। इसी दौरान 2013 में आशु महाराज ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ रेप भी किया था। उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल कर उसके साथ रेप करता रहा। इतना ही नहीं, लड़की ने आशु महाराज के बेटे पर भी रेप का आरोप लगाया है, जिससे तंग आकर महिला ने आशु महाराज के खिलाफ हौसखास थाने में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल आशु महाराज और उसका बेटा फरार हैं, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस को है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर करें, और वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।